तो वेलकम गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील की इंजीनियरिंग वैकेंसीज के ऊपर और जीआईएस के इंजीनियरिंग वैकेंसीज के ऊपर, ठीक है, जो पूरी तरह से आपका टेक्निकल फील्ड और वोकेशनल कोर्सेज के लिए है। ठीक है, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ ताकि जो जिनके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो केवल वही लोग देखें, फालतू का टाइम वेस्ट ना हो आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीई, बीटेक, BBA, BCA, BSc की वालों का ही काम देगा इसमें। ठीक है, चाहे आपका GIS ग्रुप हो, चाहे आपका टाटा स्टील हो, ठीक है, दोनों में सेम क्वालिफिकेशन वालों को काम देगा। और अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल, अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है इस वीडियो में, क्विट कर दीजिए, क्योंकि यह टेक्निकल फील्ड वाले लोगों के लिए है। टाटा स्टील एडवर्टाइजमेंट निकाला है 2024 में और इसका मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया। चलिए देखते हैं तो कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार का पोस्ट है सब कुछ। तो यहाँ पे टाटा की दो प्रकार की वैकेंसी है, एक सभी के लिए और एक ओनली फीमेल के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि टाटा स्टील इज सीकिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट, ठीक है, फॉर द पोजिशन ऑफ इंजीनियरिंग ट्रेनी। तो पोस्ट का नाम क्या है, इंजीनियरिंग ट्रेनी, ठीक है। और ये आपका फील्ड कौन कौन सा है, एरिया, तो माइनिंग है, मिनरल है, इलेक्ट्रिकल है, फिर आपका यहाँ पे मैकेनिकल, जियोलॉजी, उसके बाद जियो फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर रो मटेरियल्स लोकेशन ऑफ टाटा स्टील। और ये आपका कहाँ पे रहेगा जॉब लोकेशन, जमशेदपुर, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है प्रोग्राम डिटेल के बारे में सबसे पहले, एंड प्रोग्राम डिटेल है ये आपका, देन है आपका यहाँ पर फंक्शंस टू बी सिलेक्टेड फॉर, तो ये फंक्शंस है यहाँ पे देख लीजिए, मस्ट हैव कम्प्लीटेड, तो क्या क्या कम्प्लीट होना चाहिए आपका, कोई इनमें से एक, एनी वन, बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में, इन द फॉलोइंग कोई भी आपका स्पेशल हो इसमें से, जिसमें आप किए हो स्पेशल डिसिप्लिन, ठीक है, तो इसमें है मैकेनिकल, मेटलर्जी भी है, फिर मिनरल है, माइनिंग है, देन है आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और फिर मैकेनिक्स है, ठीक है। या फिर अगर आप बीबीटेक ना किए हो, बीबीटेक तो किए ही होंगे, एमटेक या एमएससी किए हैं, ठीक है, तो भी आपके लिए है अपॉर्चुनिटी। किसमें किसमें, तो एमटेक या एमएससी जियोलॉजी, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे जियो फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग, और रिमोट सेंसिंग को आप लोग क्या जो बोलते हैं, जियोग्राफी से कंपेयर मत कीजिएगा, ये टोटली डिफरेंट फील्ड है, ठीक है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये आपका मास्टर डिग्री का कोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी रखी गई है, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि आपके पास इतने सारे होने चाहिए क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हों। उसके बाद एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिए, तो एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है, STSC को थोड़ा सा छूट दिया जाएगा इसमें एज में, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए आपका कितना है, तो यहाँ पे रखा गया है 30 ईयर। सैलरी तो देखिए यहाँ पे स्टाइपेंड के तौर पे आपको 30,000 मिलेगा अमाउंट पर मंथ, ठीक है, और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा एनुअली कितना मिलेगा पर एन एम, 2,50,000, एंड OPD कवर होगा आपका 6,000 रुपये का, ठीक है, और फिर यहाँ पे 7 लाख पर एनुअल अलॉन्ग विद द अदर पार्क्स, जितना भी आप लोग सब पढ़ लीजिएगा डिटेल में, मैं केवल यहाँ पे शॉर्ट नोटिस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो इसका भी एक वीडियो डाल दूंगा, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वह है आपका 4 सितंबर 2024, ठीक है, 4 सितंबर 2024, एंड देन यहाँ पे साइन भी है देख लीजिए, तो किसी प्रकार का ये झूठा नोटिस नहीं है, ठीक है, फुल्ली ऑथेंटिक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो है आपका, ये ओनली फॉर फीमेल के लिए है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि टाटा स्टील इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड फीमेल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन इंजीनियरिंग ट्रेनी, और ये आपके ये सारे फील्ड हैं, ठीक है। ड्यूरेशन है आपका फॉर 1 ईयर, एंड इसमें देखिए फर्स्ट है आपका बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग किए हैं तो माइनिंग या मिनरल्स होना चाहिए, और अगर आपने मास्टर कोर्स किया है, ठीक है, जैसे एमटेक या एमएससी, तो आपका जियोलॉजी, जियोग्राफिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, तो ये आपके फील्ड हैं।
बाकी यहाँ पे क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा कि आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, वैसा बहुत सारे क्राइटेरिया हैं इनके, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर, और साथ ही जो STSC कैंडिडेट हैं 32 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि इंजीनियरिंग ट्रेनिंग विल बी ऑफर्ड ऑल जितना भी इंक्लूसिव है, स्टाइपेंड 30,000 पर मंथ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। और यहाँ पे इंजीनियरिंग ट्रेनिंग विल बी कवर्ड, जितना भी कवर किया जाएगा वो सब आपको पढ़ लेना है, मेडिकल वगैरह, ठीक है, OPD। एंड इसका भी लास्ट डेट आपका 4 तारीख है, ठीक है। तो सेपरेटली दोनों का अलग अलग करके निकाला गया है, तो इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहा है अभी, और मैं एक नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करना सिखा दूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं JIS ग्रुप में। तो JIS ग्रुप एक प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे पॉलिटेक्निक के कैंडिडेट्स को टीच किया जाता है। तो गोला पॉलिटेक्निक में, जो कि रामगढ़ ज़िला में है झारखंड के, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं। और आपका चांडिल पॉलिटेक्निक में भी, चांडिल जो कि सरायकेला खरसावां में आता है, ठीक है, जो कि झारखंड का एक ज़िला है, तो इन दोनों में फ़िलहाल वैकेंसीज आई हुई हैं। पहला है लेक्चरार का, और लेक्चरार में बोला गया है कि मिनिमम आप BE/BTECH हो किस में, इन द रिलेवेंट फील्ड। तो फील्ड है आपका सिविल, मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, एंड गेट, आपका जो है गेट क्वालिफाई होना चाहिए। गेट स्कोर में कितना होना चाहिए, स्कोर ऑफ 75% मिनिमम और एबव, ठीक है, कम से कम 75 होना चाहिए गेट स्कोर, और विथ इक्विवेलेंट स्कोर ऑफ एन इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो गेट के इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दिए हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिलहाल आप सिंपली इंजीनियरिंग किए हो, ओनली फ्रेश इंजीनियरिंग, और साथ में आप फर्स्ट क्लास डिग्री रखते हो, ठीक है, और गेट क्वालिफाई हो, विथाउट गेट या विथाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, तो ले भी सकता है, बट उस कंडीशन में जब यहाँ पे जो अप्लाई वाले कैंडिडेट हैं नहीं हो, ठीक है, तब आपको लिया जाएगा। अगर आप BBA किए हो, ठीक है, या फिर BCA, तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बोला गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन MBA विथ फर्स्ट क्लास, और BCA मिनिमम क्वालिफिकेशन MCA विथ फर्स्ट क्लास, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो देन है यहाँ पे मिनिमम फुल टाइम मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, जैसे है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ठीक है। ये तो हो गया लेक्चरर का क्वालिफिकेशन। अब देख लेते हैं यहाँ पे टेक्निकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो टेक्निकल लेबोरेटरी असिस्टेंट में रखा गया है कुछ क्वालिफिकेशन, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आप सिंपली डिप्लोमा किए हो, तो किस में, तो रिलेवेंट डिसिप्लिन एज मेंशन अबव द इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जिसमें BSc है फॉर बेसिक साइंस, ठीक है। तो अगर आप सिंपली केमिस्ट्री किए हो या फिजिक्स किए हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, तो फिर है हमारा असिस्टेंट लाइब्रेरी और लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो सिंपल से यहाँ पे बोला गया है कि फुल टाइम मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, एंड 3 ईयर का आपने जो है ग्रेजुएशन कोर्स किया हो, 3 ईयर ऑफ एक मिनट सॉरी MSc लाइब्रेरी जो होता है, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, तो वो आपको कंप्लीट करना है, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, साथ में आपको 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, बापरी। और एग्जीक्यूटिव में है अकाउंटेंट, ठीक है, फिर आपका परचेज, स्टोर, मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो ये हैं सारे। और ग्रेजुएट विथ मिनिमम 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, सैलरी एज पर AICTE नॉर्म्स जो भी है इनका। और अगर आपको अप्लाई करना है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और स्कैन करके आपका अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, गूगल लिंक आ जाएगा, इसको स्कैन कीजिएगा ना तो आ जाएगा। बाकी इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और JIS का हेड ऑफिस आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊँगा जिसमें आपको टाटा स्टील और JIS के ऊपर वीडियो बना के दिखा दूंगा। फिर भी अगर मुझे टाइम ना मिले तो आप लोग खुद अप्लाई कर लीजिएगा, टाटा स्टील के करियर वाले सेक्शन पे जाइएगा और वहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल दोनों का PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी मर्ज़ी, इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बाय।